अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। इस समय यहाँ पे छत पे बहुत अच्छा लगता है। मैं और चेरी यहाँ पे हमेशा बैठते हैं। क्या हुआ चेरी? और ये शाम का नाश्ता चेरी ही बताती है कि दादी आज हलवा पापड़ बनाइए, तो ये हलवा और पापड़। ये शाम का समय हो गया है, तो रोज शाम को मैं मंदिर में दिया बत्ती करती हूँ, तो ये 4 वाला मतलब कि 2 क्रॉस करके मैं दिया जलाती हूँ। तो ये मैंने सुबह जीरा और सौंफ का पानी पिया था, तो उसी को उसी में और पानी डाल के मैं खौला रही हूँ। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको भी पी लूँगी। रात में भिंगा के भी अच्छा है, आप खौला के आप दोबारा भी इसका पानी पी सकते हैं, सबसे बेनिफिशियल है। और ये गरम मसाला मैं बनाने जा रही हूँ। ये है जीरा, ये जीरा और ये काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, जावित्री और ये है लौंग और ये स्टार फूल और ये दालचीनी। ये सबसे अच्छा वाला दालचीनी है, बढ़िया वाला है। ये मेरा गरम मसाला। हम लोगों को गरम मसाला बाहर का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ये बहुत बढ़िया गरम मसाला बन के तैयार होगा। सबसे पहले मोटा मोटा चीज़ मैंने डाल दिया है, कढ़ाई दोनों फंसा हुआ था तो मैं कुछ न कुछ लगा था, तो मैं कुकर में ही इसको कर रही हूँ। सबसे पहले मोटा मोटा चीज़ डाल देंगे जब ये हो जाएगा, और तब ये महीन चीज़ डालेंगे, छोटी चीज़ बाद में डालेंगे। पहले इसको कर लें, ये पहले ये थोड़ा सा भून जाए तब दूसरा डालेंगे, वो महीन वाला। मैंने मसाला पीस लिया है और कटहल थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। जितना कटहल है उतना प्याज है, प्याज, तेजपत्ता, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इतना मैंने डाल दिया है कुकर में। इसमें हमने हल्दी, नमक और कटहल डाल दिया है। ये गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी क्योंकि ये भुना हुआ ही है, इसलिए थोड़ा बाद में। ये कटहल पकेगा, ये ग्रेवी वाला नहीं बनेगा लेकिन पकेगा, तो इसलिए इतना पानी मैं डाल दूंगी। लाइट नहीं आ रही है, अब ये मैं ढक्कन लगा दूंगी, रोशनी है उधर। ये अब ये 6-7 सीटी बजेगा क्योंकि कटहल कटहरी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। और ये जो मसाला है इसको मैं इसमें खाली कर दूंगी, इसको। ये बहुत बढ़िया मेरा स्पेशल मसाला है, ये बन के मेरा तैयार है। यस मसाला ये तैयार हो गया है, ये काफी दिन तक चलेगा। जमीन पे क्यों बैठे हो बाबू? नहीं कोई चीज बिछा लो बेटा। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ और पानी गिर जाएगा, लड्डू पानी गिर जाएगा, हटो। ये रही कटहल की सब्जी, आज का डिनर।
हेलो एवरीवन, सभी को मेरा राधे राधे। आज है फ्राइडे, महाशिवरात्रि है। भोले बाबा सभी पर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत कृपा बना के रखी। सभी लोग स्वस्थ रहें और बहुत खुश रहें। आज महाशिवरात्रि है, इस समय 5:30 बज रहे हैं, 5:35 होने जा रहा है। और मेरी तो आदत है, मैं 5 बजे उठ गई थी तो झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लग गया है, अभी डस्टिंग और पोछा नहीं हुआ है। तो आज थोड़ा सा गेहूं भी धुलना है मुझे, गेहूं धुल देंगे, बारिश का कोई गुंजाइश नहीं है, अभी गेहूं धुल देंगे। आज चेरी की छुट्टी है तो आज जो पेंडिंग पड़ा है काम, उसको मैं आज करूंगी। तो सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक, ये पहले हम एक मिनट, ये सौंफ का पानी है, जीरा का पानी नहीं है, कल जीरा का पानी और सौंफ का पानी हम भिगाए थे और आज सिर्फ सौंफ का पानी है। मैं बदल बदल के ही लेती हूँ पानी, कोई न कोई ड्रिंक हमको मॉर्निंग में खाली पेट चाहिए, मेरी आदत है। अगर कुछ नहीं है तो नींबू पानी, कुछ नहीं है तो करी लीफ, नहीं तो अजवाइन का पानी, सौंफ और जीरे का पानी, ये सब मैं कुछ न कुछ जरूर लेती हूँ। तो ये पानी पी के फिर मॉर्निंग का काम स्टार्ट करेंगे। अभी तो बहुत अंधेरा है, अभी धीरे धीरे सारा काम करना है। आज चेरी का लंच बनाने का कोई टेंशन नहीं है, आज तो वो देर से ही उठेगी और इसमें मैं सारा काम कर लूँ पहले। कहते हैं कि सुबह का जो ड्रिंक होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदा करता है, उसको उकड़ू बैठ के पीना चाहिए। तो मैं तो बैठ पाती नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे घुटने में दर्द रहता है। पहले 8-10 साल पहले मैं काम करते करते भूल ही जाती थी, मेरे घर में सीढ़ी बहुत ज्यादा है तो सीढ़ी उतरना चढ़ना काम करना, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा लगातार 5 घंटा काम करना, तो मैं भूल जाती थी कि मुझे बैठना भी है। फिर बैठते बैठते जब बैठ ही नहीं पाती थी तो फिर वही आदत छूट गई, जब बैठना हो तो चेयर पे, तो इसलिए मैं बैठ नहीं पाती हूँ बिल्कुल। अब चलिए सुबह का काम स्टार्ट कर। इस समय 6 बज रहा है, अभी 6 भी पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए मेरा गेहूं धुल गया। सुबह सुबह अगर सुबह सुबह उठी ना तो बहुत काम हो जाता है। गीजर बंद कर दें? अच्छा, यहाँ की सुबह आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा फास्ट है,
मैं ऐसी कोई व्रत थाली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली व्रत रहूंगी तो इसलिए कोई व्रत थाली नहीं बनेगा। और ये ढोकला बनने जा रहा है। चेरी को बेसन का ढोकला नहीं पसंद है तो वो सूजी का ढोकला खाएंगी, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये लोग बेसन का ढोकला खाएंगे। तो ढोकला नाश्ते में बन रहा है। और ये चेरी क्या कर रही है? संतरा। पढ़ाई हो गया, एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो पढ़ाई करके नीचे से आई है और संतरा खा रही है। निकाल रहा तुम खा, बड़ा धुंधला आ रहा है दादी। आ गया। बड़ा मस्त बना है ये। बहुत टेस्टी है ये सूजी वाला, और ये बेसन का ढोकला है, और ये चटनी, ये चटनी। ये झंडा है, झंडे में त्रिशूल है, यहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं। इलाहाबाद में एक पड़ीला महादेव है जो बहुत सिद्ध मंदिर है शंकर भगवान की। ये पूजा होती है और लोग पूजा सभी लोग करते हैं, और वहाँ पे जाके ये चढ़ाया जाता है, ये झंडा गाड़ दिया जाता है, तो सब लोग पूजा करने हैं यहाँ पे। आज हम व्रत थे तो अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत बनाए भी नहीं, ये आलू छील रहे हैं, तो सभी के लिए सब्जी बन जाएगा। मेरे लिए थोड़ा सा अलग हम फ्राई कर लेंगे आलू, और वही मखाना और चाय। तो मैं शूट क्या करती, फिर थोड़ा सा साबूदाना खाया और मखाना और चाय। अब आलू छील रहे हैं, अब जो बनना होगा बनेगा। और यहाँ चेरी, चेरी अपनी डायरी दिखाओ, दिखाओ। क्यों बैठी हो पीछे? ये बैक कैमरा है, बैक कैमरा भी। यहाँ से दिखाओ, यहाँ से और पीछे से, पीछे से एकदम पूरा शुरू, यहाँ से, यहाँ से। और आगे कुछ नया बनाई हो कि नहीं लाडो? बहुत कुछ। तो दिखाती क्यों नहीं हो? क्या बनाई हो बताती जाऊं? ये जो अभी हम फर्स्ट वाला दिखाए थे, ये कैंडी के ऊपर एक डूडल था, ये स्कूल के ऊपर है, ये लीव्स के बारे में है, ये बर्थडे पार्टी से रिलेटेड है, ये आइसक्रीम से रिलेटेड है, और ये केक से रिलेटेड है, ये वाला खाने पीने से रिलेटेड है, और ये वाला समर से रिलेटेड है, और ये वाला कैट से रिलेटेड है। ये पैर एक ठोर टांगी थी, जब देखी कि हम कैमरा उठाए हैं तो नीचे कर दी। ये ऐसी उल्टा सीधा आड़ा तिरछा ये बैठती है ये।